हेलो क्लास, जैसा कि हम लोग क्लास टेंथ का साइंस पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमने उसमें क्या क्या देखा था, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन को कैसे पता करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था, ठीक है। उसमें एक चीज़ हमने देखा था कि चेंज इन कलर, कलर कैसे चेंज हो रहा था। तो उसमें हमने लिखा था, इक्वेशन लिखा था, कॉपर को जब हम CO2 से रिएक्ट कराया था हमने, क्या बना था, कॉपर कार्बोनेट बना था, ठीक है। और हमने कहा था कि ये रेडिश कलर का होता है, जिसको हमने रेडिश कलर का होता है, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये भी हालांकि ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आप चेंजिंग कर लेंगे तो और अच्छा होगा। इसे कॉपर की जगह पे आप कॉपर ऑक्साइड कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट। इसे क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर का होता है ना। अब कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में ही होता है, ये गैस फॉर्म में होता है, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे कि हमारे पास अगर कॉपर है, कॉपर आप जो घर का जो वायर आता है, वायरिंग वाला, वो भी देखे होंगे रेडिश कलर का, वो भी आपका कॉपर होता है। तो उस कॉपर को जब हम खुले में छोड़ देते हैं ना, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि अगर ये कैसे बनता है, तो ये हमारे पास कॉपर है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, कॉपर 2 हो गया, कॉपर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आता है, ये कि आखिर हम फार्मूला बना कैसे रहे हैं, फार्मूला का निर्माण हो कैसे रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं आया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ और आ गया। ये जो होता है कैसे हो रहा है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक और इक्वेशन लिखा था, इस चीज़ चलिए थोड़ा सा समझते हैं पहले। इस ये जो फार्मूला बन रहा है ना, इसको समझने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे मेन जो है वो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। किसी भी तत्व का, कोई भी पदार्थ है, उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज है वैलेंसी, यानी उसकी संयोजकता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है संयोजकता। अगर हमें संयोजकता पता है तो हम ये फार्मूला बनाना आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। संयोजकता होता क्या है, तो देखिए क्लास 9th में थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे कि संयोजकता जो होती है, जो हमारा सेल होता है ना, ऑर्बिट, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है, जो हमारे पदार्थ हैं, उस पदार्थ की जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन लेता है, या तो निकालेगा या फिर लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो निकालता है, अगर कोई पदार्थ है वो अपने बाहरी कक्षा से जितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है, वह उसकी बैलेंसी कहलाएगी। या फिर जितना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर ले रहा है वो उसकी बैलेंसी कहलाएगी। जैसे एक तो सिंपल सा एग्जांपल हम समझते हैं, सोडियम। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सोडियम, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, ठीक है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो इसके जो बाहरी सेल है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है। कितना इलेक्ट्रॉन आता है, एक। जैसे एक फार्मूला होता है 2n2, इससे n क्या है, नंबर ऑफ सेल, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 है ना। तो इसे n की जगह पे अगर हम 1 रख दें तो क्या आएगा, n बराबर अगर हम 1 रख दें तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अगर n की जगह पे 2 रख दें तो क्या आएगा, इसका मान 2 to the power 4, यानी कि 8 आएगा। यानी कि ये यह बताता है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ये चीज़ दिखता है, ठीक। चलिए हमको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यन का मान अगर हम यन बराबर अगर 1 ले लें, तो यहाँ पे
पहले सेल के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा वो दो आएगा, इसमें एन का मान रखेंगे तो अगर एन बराबर हम दो ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, एट आएगा। अगर एन बराबर थ्री लेते हैं तो 18 आएगा, 18 आएगा। तो इससे पता चलता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और सबसे बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो उसकी बैलेंस ही दिखाती है। जैसे कि सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो हम कहेंगे कि सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, तो एक होती है। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, 3। यानी कि यह 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अच्छी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, इसके बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि यह भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। तो जो भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या कहलाती है, बैलेंसी कहलाता है। तो अगर आपको बैलेंसी पता है तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम सॉरी पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसके बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं यानी कि वह त्यागेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंसी कहेंगे। अब लेते हैं एक और एग्जाम्पल क्लोरीन का, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या इसकी बैलेंसी 7 होगी, नहीं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना है, अगर क्लोरीन के परमाणु क्रमांक 17 है, उसकी बाहरी कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तो वो 7 इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, उसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई देखिए, जिसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वह फिक्स्ड हो गया, अस्थायी हो गया, है ना। जितने भी इनर्ट गैसें होती हैं सबकी, अगर हीलियम छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब कि वो अस्थाई होते हैं। और जब कोई भी तत्व अस्थाई हो जाएगा तो वह किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा, तो 8 चाहिए। अब देखिए, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब 7 इलेक्ट्रॉन निकालने से बढ़िया है कि यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ले लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन निकालने से अच्छा है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्यों ना भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए। आप ही बताइए कि आपको 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि एक लेने में, एक लेने में। तो यह क्या करता है, 7 निकालता नहीं है बल्कि एक ले लेता है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 8। देखिए, 4 से अगर ऊपर जा रहे हैं, अगर 4 से ऊपर यानी कि 5, 6, 7 की तरफ अगर जा रहे हैं, तो यह निकालने की बजाय लेते हैं। और जो 4 वाला है ना, जैसे कि कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 6, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और ले भी सकता है। तो इस केस में हम कहेंगे कि इसकी बैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम की बात कर दें, जो अभी हमने बताया, इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 से नीचे है, तो जब भी 4 से नीचे आते हैं तो इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की, ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपनी बैलेंसी दिखाते हैं। तो एल्यूमिनियम का 3 है, इसका मतलब इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसकी बैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम ये कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, फार्मूले का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको एक और जो आपके किताब में दिया है कि एग्जाम्पल जो काफ़ी हमें अच्छा लगा, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे। देखिए, उसमें दिया है, एक आपके पास ऑक्टोपस है, क्या है, ऑक्टोपस, जिसके पास कितने हाथ होते हैं, 8। और एक ह्यूमन है, ह्यूमन के पास कितने हाथ होते हैं, 2। ह्यूमन, अब इस ऑक्टोपस को हम ओ से दिखाते हैं और इस ह्यूमन को एच से दिखाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मत समझिएगा, ओ से ऑक्टोपस, एच से ह्यूमन। इसके पास कितने हाथ हैं, 8 हाथ हैं, कितने हाथ हैं, 8। इसके पास 2 हाथ हैं। अब देखिए, ऑक्टोपस के 8 हाथ हैं, तो अगर हमारे पास एक ऑक्टोपस है, एक ऑक्टोपस, तो एक ऑक्टोपस को, मतलब एक ऑक्टोपस के जो 8 हाथ हैं, अगर एक हाथ इंसान के एक हाथ को पकड़ रहा है, ऑक्टोपस का एक हाथ इंसान के एक हाथ को पकड़ रहा है, ठीक है, तो 8 हाथ, चूँकि ऑक्टोपस का 8 हाथ इंसान के 8 हाथ को पकड़ेगा, और इंसान के 8 हाथ के लिए हमें कितने इंसान को लाने पड़ेंगे, 4। कितने इंसान को लाने पड़ेंगे, 4। यानी कि एक ऑक्टोपस जो है 4 इंसान के हाथ को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं, एक ऑक्टोपस के पास 8 हाथ है, तो इसके लिए हमें 4 इंसान को लाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा भाई,
पकड़ लेगा सबको। तो इस तरीके से जो है यानी कि एक वाला इसके चार वाले से क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि ऑक्टोपस और ह्यूमन, यह एक है और यह क्या है, चार। ठीक, तो इसका वाला इसके साथ चला जाता है और इसका वाला इसके साथ आ जाता है, तो होगा क्या, ऐसा नहीं, ये वन है और ये क्या है, चार है। इसका मतलब अगर इसको अगर हम फार्मूला के रूप में बनाएं तो क्या होगा, यानी कि हाइड्रोजन कितना हमको चाहिए, चार, और ये मतलब कि ह्यूमन चार और ऑक्टोपस एक। तो इस तरीके से ये फार्मूला बनता है। कुछ इसी तरह का हम इसमें भी दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक तो एग्जांपल लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। जैसे हम यहीं से एक तो एग्जांपल ले ले रहे हैं, यहीं से हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो अब देखिए हमने इसमें टू ना तो टू लिखा ना कुछ भी नहीं लिखा है। तो जनरली अगर देखें ना तो कॉपर का, कॉपर है तो इसका जो बैलेंसी होता है वो टू होता है, ठीक, और ऑक्सीजन की भी बैलेंसी कितनी होती है, टू होती है। तो ये है कॉपर और ये है ऑक्सीजन, तो ये भी टू, ये भी टू, ठीक, दोनों मिल गया तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, Cu2 और O2, ठीक है। तो इसको सुविधा के लिए, अब यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर भी टू है, जब दोनों सेम है ना तो सुविधा के लिए हम इसको हटा देते हैं, सुविधा के लिए क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब क्या क्या बन गया, ये कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें बैलेंसी पता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, इसको ZnO से दिखाते हैं, तो इसकी भी संयोजकता दो होती है और इसकी भी संयोजकता दो होती है, तो दोनों दो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको ये फार्मूला मिलता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास जिंक क्लोराइड है, इसको हम ZnCl2 से दिखाते हैं, जिंक क्लोराइड। अब देखिए जिंक है और क्लोरीन है, जिंक क्या होता है, दो, क्लोरीन का होता है एक। जिंक का कितना होता है, दो, और क्लोरीन का कितना होता है, एक। तो जिंक के साथ ये आएगा, क्लोरीन के साथ ये आएगा, यानी कि जिंक और Cl2। बात समझ आ रहा है कि नहीं, जिंक के साथ इसकी संयोजकता और इसके साथ जिंक की संयोजकता। तो इस तरह से जब दोनों मिलते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है, और इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, ZnCl2, ठीक है। उसके बाद से कॉपर सल्फेट ले लीजिए, ध्यान से समझिएगा इन बातों को। देखिए इसमें कॉपर सल्फेट है, इसको ये हो गया कॉपर, और ये जितना आपको दिख रहा है ना इसको हम सल्फेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन, क्या होता है, सल्फेट आयन। अब देखिए ये होता क्या है, ये जो कॉपर है ना इसको, इसकी बैलेंसी दो होती है और इसकी भी बैलेंसी दो होती है, इसकी, ये जो कॉपर है इसका भी दो और जो सल्फेट है इसका भी दो। तो ये दोनों दो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये पूरा सल्फेट कहा जाता है SO4, तो ये क्या बनता है, CuSO4 बन जाता है, ठीक है। इसको एक चीज़ और दिखा सकते हैं, ये जो कॉपर होता है ना, कॉपर यह इलेक्ट्रॉन निकालता है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसकी बैलेंसी दो कहने का मतलब यह इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो जब यह इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इसको हम +2 से दिखाते हैं, क्योंकि बैलेंसी दो है तो या तो इस पे दो टे प्लस बना दीजिए या इसको +2 से दिखा दीजिए। उसी तरीके जो सल्फेट होता है SO4 होता है, यह दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, हालांकि इसकी भी बैलेंसी दो है। बैलेंसी हम दो तरीके से देखेंगे, हमने बताया ना कि या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो जब रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब लेता है इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव चार्ज आता है। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, दो इलेक्ट्रॉन लेता है, या तो इसे ऐसे दिखाइए या फिर इसको ऐसे दिखा दीजिए। तो यह जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा तो निगेटिव और जब निकालेगा तो पॉजिटिव। सोडियम ले लीजिए, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो इस पर क्या आएगा, प्लस, केवल एक प्लस दिखा देंगे, +1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर आपको बैलेंसी वगैरह पता है तो आप आसानी से फार्मूला डिजाइन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं, हमने लिखा है वर्ड इक्वेशन। देखिए वर्ड इक्वेशन होता क्या है, हमने इतने सारे इक्वेशन बताया, बहुत सारा हमने इक्वेशन लिखा। और देखिए वर्ड इक्वेशन हिंदी में कहते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, केमिस्ट्री का कोई इक्वेशन उठा लीजिए, अगर हम उसको शब्दों के रूप में ही लिख दें,
अगर हम उसे शब्द के रूप में ही लिख दें तो उसे क्या कहेंगे, शब्द इक्वेशन कहेंगे, है ना। द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग वर्ड इज कॉल्ड क्या, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम उसे शब्द के रूप में ही लिख दे रहे हैं ज्यों का त्यों, तो हम उसे क्या कहेंगे, शब्द इक्वेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल लिखते हैं, हमारे पास है जिंक, तो हम पूरा लिखते हैं ऐसे, जिंक यह अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाता है, तो यह बनाता है जिंक सल्फेट बनाता है, तो लिखेंगे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है रिमूव होती है, निकलती है हाइड्रोजन गैस, देख रहे हैं शब्द के रूप में हम लिख रहे हैं। जिंक को इसके पहले हमने क्या लिखा था, केमिकल फॉर्म में लिखा था, तो जिंक यहाँ पे क्या किया कि जिंक को जिंक लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड को फार्मूला के रूप में ना लिख करके शब्द के रूप में लिखा, और जो बन रहा है उसको भी हमने शब्द के रूप में लिखा, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, शब्द इक्वेशन कहेंगे। इसके अलावा आप दूसरा भी एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, बात समझ आ रहा कि नहीं, मिटा दें इसको, चलिए अगर नोट हो गया हो तो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिखा था, लिखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और जब यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यह बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको भी क्या कहेंगे, शब्द इक्वेशन कहेंगे। बहुत सारे इक्वेशन है आप लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक समीकरण क्यों बनाया गया, रासायनिक समीकरण बनाने का मतलब यही है कि हम अब बैठ करके ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखने को अगर लिख भी देते हैं तो हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि किस तत्व का कितना परमाणु है या किसका कितना अणु है, यह भी हमें नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने क्या डेवलप किया, केमिकल इक्वेशन डेवलप किया। फिर तो वर्ड इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से लिख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, इस तरह से हमको पूरा लिखना पड़ रहा है। तो उसके बाद जो है केमिकल इक्वेशन पे चर्चा हुआ कि भाई क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इतना हमें लिखना ना पड़े, और इससे हमें एक चीज़ और नहीं पता चल पा रहा है कि मैग्नीशियम कितना है या फिर ऑक्सीजन कितना है, मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, इसके कितने एटम है, कुछ पता चल रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, और ना ही इसके फॉर्म पता चल रहे हैं कि हम मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में, कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को जानने के लिए हमने क्या निकाला, रासायनिक समीकरण निकाला, केमिकल रिएक्शन पता किया। वो कहता क्या है कि द इक्वेशन इन विच वी यूज सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूलाज इंस्टीड ऑफ यूजिंग वर्ड इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, यानी कि जो हम वर्ड जो यूज कर रहे हैं इस वर्ड के जगह पर अब हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला या फिर उसका सिंबल, तो उससे हमें मिलेगा क्या, केमिकल इक्वेशन मिलेगा। इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना है, ये सब सारी चीज़ें हमें पता चलती है, वो किस फॉर्म में है ये भी हमें पता चलता है। जैसे अगर हम इसको लिखें मैग्नीशियम, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं मैग्नीशियम किस फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, इसको लेते हैं अब क्रिया कराते हैं किससे, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, तो गैस फॉर्म में होता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, चलिए सॉलिड ही मान लीजिए, ठीक है, चूंकि राख हो जाता है वो राख मिलता है हमको, ठीक। होता क्या है कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप अगर आप लेंगे, मैग्नीशियम की आप मैग्नीशियम देखेंगे तो सफ़ेद कलर का ये भी दिखता है ना, थोड़ा सा चपटा स्ट्रिप होता है, मेटल है, चपटा स्ट्रिप होता है, और ये बड़ी आसानी से जो है जलता भी है। अगर आप धातु है, मैग्नीशियम धातु है, अगर आप इसको माचिस से जलाएंगे ना तुरंत आग पकड़ लेगा, और एक चमक के साथ जलता है, चमक भी देता है। तो इसको आप इसके स्ट्रिप को जलाएंगे, मैग्नीशियम की स्ट्रिप को, तो वो धीरे धीरे जलते जलते क्या हो जाता है, हमें राख मिल जाता है। तो जो राख मिलता है ना उसी राख को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड दिखता कैसे है, ठीक।
एक तो ये हो गया, इसमें हमें यह भी पता चल रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, ये कितना है ये कितना है, सब हमें पता चल रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पे दो कर देंगे, तो ऑक्सीजन तो दो हो गया, साथ साथ मैग्नीशियम भी आपका दो हो गया, तो यहाँ पर मैग्नीशियम को भी दो कर दीजिए, देख रहे हैं ना। तो इसमें हमें क्या ये चीज़ वेरीफाई पता हो रहा है कि कितने पर अणु है या कितने परमाणु है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें केमिकल रिएक्शन में हमें सब कुछ पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन के ये दो है, मैग्नीशियम के दो हैं, है ना। तो ये हमें इससे पता चलता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने इसके ऊपर लिखा था, जिंक वाला। हमने जिंक लिया था और जिंक को किससे रिएक्ट कराया था, सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। और जब ये जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है, क्या बनाता है, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। अब इसमें देखिए, इसमें भी हमें सब कुछ पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कि नहीं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जिंक के जगह पे कॉपर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा। आप अगर आयरन ले लीजिए, FeE ले लीजिए, तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें केमिकल इक्वेशन मिलता है। अब देखिए हमने नेक्स्ट लिखा है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हिंदी में कहते हैं अभिकारक, क्या कहते हैं हिंदी में, अभिकारक, यानी कि जो अभिकार करेगा, रिएक्टेंट हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी कि अभी कुछ करने वाला है, क्या करने वाला है, तो अभिकारक जो है, देखिए द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट एनी टू केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट में होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और मिल पदार्थ जो मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब देखिए जो रिएक्टेंट होता है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाते हैं, जैसे कि इस फार्मूला में देखिए, इस इक्वेशन में देखिए, लेफ्ट साइड में क्या है आपका, आयरन है और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इन दोनों को हम रिएक्टेंट कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। और ये मिल करके क्या बना रहा है, फेरस सल्फेट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो जो जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, और जो मिल करके बनाता है, प्रोडक्ट माने उत्पाद, प्रोडक्ट नाम से ही क्लियर है, यानी कि कुछ बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, फेरस सल्फेट का, यहाँ पर प्रोडक्शन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो जो बनता है उसको प्रोडक्ट, और जो मिल करके बनाता है उसको रिएक्टेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो रिएक्टेंट है ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका दो ही होगा, एक भी हो सकता है, कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से अधिक होता है, उसे हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाते हैं, और वो मिल करके एक प्रोडक्ट बनाता है, तो जो हमें मिलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और जो अभिक्रिया करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, कभी कभी हमारा रिएक्टेंट क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, और हमने दो एग्जांपल लिखा भी है। देखिए यहाँ पे इधर क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यह मत पूछिएगा कि यहाँ पर टू क्यों नहीं आया, कि यहाँ पर कैल्शियम की संरचना दो होती है और कार्बोनेट, इस पूरे हिस्से को कार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनेट, इसकी भी संरचना दो होती है, तो इसका भी दो, इसका भी दो, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, इसके अलग अलग, इसे अलग अलग मत समझिएगा, यह अलग अलग नहीं है, यह एक ही में आता है, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट तो एक ही है, और जब हम इस रिएक्टेंट को हीट करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, एनर्जी दे रहे हैं, किस फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और क्या रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, CO2 गैस। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में, और ये क्या है, गैस है, तो इसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट कितना है, एक ही है। एक और फॉर्म हमने लिखा है यहाँ पे, इसके ऊपर जब हमने बताया था फेरस सल्फेट है, यहाँ पे ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, जब इसको हीट करते हैं तो यह क्या बनाता है, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म में, ये गैस है,
और ये भी हमारा गैस है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 ये बनाता है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जहरीली गैस है, ये भी हमारी गैस है, ठीक है। ये दोनों गैस फॉर्म में, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में, ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट कितना है, यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट एक है, कितना है, एक है। और ये हमारा जो है ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और यहाँ पे हमें मिलता है ब्राउन कलर में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर भी चेंज हो रहा है। यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि हाँ कलर चेंज होगा, तो क्या केमिकल इक्वेशन है, ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं स्केलेटल इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली, स्केलेटल सब भाई बॉडी में जो बॉडी क्या होता है, स्केलेटल कंकाल तंत्र होता है ना, वहीं से लिया गया है, कंकाली समीकरण। देखिए अगर हमारे पास कोई भी समीकरण है, कोई भी हमारे पास समीकरण है, अगर वो बैलेंस नहीं है, एनी इक्वेशन डैट इज, या फिर लिखिए एनी इक्वेशन विच इज अनबैलेंस्ड इज कॉल्ड क्या, स्केलेटल इक्वेशन। यानी कि ऐसा कोई भी इक्वेशन जो बैलेंस है ही नहीं, इधर का द्रव्यमान कुछ और है, उधर का द्रव्यमान कुछ और है, तो उससे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण बैलेंस नहीं होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिखा था कि मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करा रहे थे ऑक्सीजन से, क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ये बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहते हैं। कोई भी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, कंकाली इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जो हमने लिखा था C6H12O6, ग्लूकोज जब रिएक्ट कर रहा था किससे, ऑक्सीजन से, ग्लूकोज जब रिएक्ट कर रहा था किससे, ऑक्सीजन से, तो ये क्या बना रहा था, ये आपका CO2 बना रहा था, प्लस H2O बना रहा था, प्लस एनर्जी निकल रही थी, एनर्जी क्या हो रही थी, निकल रही थी। क्या ये बैलेंस है, नहीं है। देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन एक ही दिख रहा है, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और एक 3 ही दिख रहा है ना। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, कंकाली इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं, जो बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस कंकाली इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।